एवियन नेटवर्क, मैं शगुफ्ता अंसारी। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिस पर शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं। जी हाँ, कोरोना वायरस गरीबों के लिए बेरोजगारी, भूखमरी और मौत का नाम है। तो खद्दरधारियों, फिल्म एक्टरों, पूंजीपतियों को ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट। ना तिल मिलाइए ना चौकिए, बस कुछ गहराई में जाकर सोचिए और समझिए कि अगर कोरोना संक्रमित बीमारी या एपिडेमिक है तो परिंदे और जानवरों को अभी तक कैसे नहीं हुआ। ये कैसी बीमारी है जिसमें खद्दरधारी और फिल्म एक्टर ठीक हो जाते हैं और गुलाम जनता के लोग मर जाते हैं। कोई भी रोड में या घर में तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही क्यों आती है मौत। ये कैसी बीमारी है आखिरकार। कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज के नेगेटिव हो जाता है। कोरोना एक ऐसा संक्रमित एपिडेमिक है जो खद्दरधारियों के स्वभाव में रैली में नहीं फैलता। कोरोना एक लौता एपिडेमिक है जो अगर कोई गरीब नॉर्मल खांसी जुकाम चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं, फिर भी 99% लोग ठीक हो रहे हैं। यह एक लौती ऐसी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारियां खत्म हो गई। मतलब कि आप जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है। जी हाँ, जरा गौर कीजिए कि यह कैसी बीमारी है। इसकी चपेट में आने वाले गरीब आदमी सिर्फ अस्पतालों में ही मरते हैं, घर में आज तक कोई नहीं मरा। यह एक ऐसा संक्रमण है जिसके संक्रमित गरीब की लाश को अगर प्रशासन चाहता है तो मृतक के परिवार मोहल्ले वालों को सौंप देता है, लेकिन कोई संक्रमण नहीं होता। लेकिन अगर प्रशासन नहीं चाहता तो सब को ताबूत में छुपाकर, ताबूत को खोलकर नहीं देखने का देकर सरकारी अमला ही अंतिम संस्कार करता है। कोरोना इकलौती बीमारी है कि अगर प्रशासन की मर्जी ना हो तो मरीज के पास सिर्फ अस्पताल कर्मचारियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन अगर प्रशासन की मर्जी हो तो कोई भी मरीज के पास जाकर देर तक बैठ सकता है, वो भी बिना मास्क लगाए। यह एक ऐसी जादुई बीमारी है। कुछ अस्पतालों में सुबह मरीज भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज मिलती है कि मरीज की कोरोना से मौत हो गई। मतलब कि कुछ ही घंटों में कोरोना की रिपोर्ट भी आ जाती है और शाम तक कोरोना से मौत भी हो जाती है, साथ ही लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अजीब बीमारी है कोरोना की। अगर कोरोना की कोई स्टेज नहीं होती तो जो पहले कई बार की जांचों में पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, लेकिन 7वीं-8वीं रिपोर्ट बिना दवा के नेगेटिव हो जाती है। कैसा गजब का काला जादू है। वही बता दें कि कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अचानक 6वीं रिपोर्ट नेगेटिव हो गई और वो ठीक होकर घर भी चली गई। कौन सा जादू इलाज किया जो कनिका की 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 6वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उनकी मौत हो जाती है। फिल्म एक्टरों, मंत्रियों, पूंजीपतियों की 5वीं-6 बार जांच की जाती है जिसमें आखिरी रिपोर्ट नेगेटिव ही होती है, जबकि गरीब की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है और अगर आती है पॉजिटिव तो लाजमी है उसका मौत का होना। आखिर क्या चल रहा है। कोरोना नाम का ब्लैंक चेक भुगताने का खेल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कोरोना से मर रहे हैं सिर्फ गरीब, वो भी सिर्फ अस्पतालों में। आमतौर पर लाश घर वालों को नहीं दी जाती, लाश पूरी तरह से पैकिंग कर दी जाती है। बंद लिफाफे में बॉडी किस हाल में है या कैसी है किसी को नहीं पता। देखते रहे एवीएन नेटवर्क। नमस्कार।